दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक कभी पर। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड को अपने मोबाइल को अपने कीबोर्ड और माउस की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए मेरे आपके वीडियो में दिख रहा होगा कि देखिए मेरा माउस मेरे फ़ोन से चल रहा है। देखिए मैं अब इसके अंदर आपको एक एपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मैंने इसका नाम लिख रखा है माउस सर्वर। आप इसको जाकर डाउनलोड करें अपने PC के अंदर और इसके अंदर एक IP एड्रेस आएगा और IP एड्रेस का करना क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इसको इंस्टॉल कर लें और इसको ओपन करें अपने PC के अंदर। तो अब देखिए आप जैसे मैं इसके अंदर ये इस ऐप को डाउनलोड कर रहा हूँ अपने गूगल ब्राउजर से PC के अंदर और आप भी अपने मोबाइल को इसके अपने PC के अंदर इसको डाउनलोड करें। इससे बाद आप जैसे इस साइट से डाउनलोड करेंगे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से अपने PC के अंदर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप इस APK से आप अपने PC के अंदर अपने मोबाइल को कीबोर्ड एज कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर इसको एज गेम पैड भी यूज कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको रुपये में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इसका। तो दोस्तों देखिए अब आपको जैसे मैं इसके अंदर डाउनलोड कर रहा हूँ तो मेरे में डाउनलोड हो जाएगा ये APK। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब आप आ जाते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और उस मोबाइल के अंदर एक APK डाउनलोड करना है जिसका नाम है वाईफाई माउस। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। जिस ऐप को डाउनलोड करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है आपके PC के अंदर एक IP एड्रेस आ रहा होगा। जैसे आप अपने मोबाइल से इस मोबाइल का वाईफाई PC से कनेक्ट करेंगे तो आपका IP एड्रेस एंटर करना और आप गेम पैड ऐसे यूज कर सकते हैं, माउस भी यूज कर सकते हैं।